सत श्री अकाल फ्रेंड, मैं हरजिंदर कौर जिंदे फैमिली ब्लॉग च आप सब का स्वागत है ना। गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ जा रही हूँ अपनी वॉक ते। हूँ थोड़ा जा मौसम अच्छा हैगा और काफ़ी वधिया लग रहा है, तो मैं जावांगी पार्क ही। तो और कल करवा अज नगर निगम का भी गेट बंद है, तो ऐसे मैं पार्क ही जावांगी, नगर निगम नहीं जावांगी। मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है लेकिन ठंड है अजय सीत वाली, अज हवा नहीं है। कल बहुत ज़्यादा हवा सी। तो चलो मैं कंटिन्यू कर। और हूँ मैं अपनी जो मेडिसिन है, मैं शुगर दी और गैस दी मैं 4 दिन तो नहीं खा रही। तो मैं बिल्कुल हूँ थोड़ा जा मैनू अच्छा फील होता है। हाँ जी, इतने मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं अपनी पार्क आ गई हाँ। इतने थोड़ी जी वॉइस की थोड़ी जी प्रॉब्लम सी, इस करके तो मैं क्या चलो वॉइस ओवर कर लैनी हाँ। तो बहुत अच्छा वैदर हो रखा है, ठंड है लेकिन इन्नी नहीं है, तो घट हैगी है। तो हूँ धीरे धीरे जिस तरह मौसम चेंज होएगा तो उस तरह थोड़ा अच्छा लगेगा पार्क, तो फिर थोड़ी भीड़ भी बच जाएगी। अजे तो फिलहाल ज़्यादा लोग नहीं है पार्क च, तो वैसे सेफ है इतने, कोई डर वाली गल नहीं है। तो इतने वॉक करना अच्छा लगता, नाले ग्रीन ग्रीन होंगे, अखा भी अच्छा लगता है। तो इस करके ते नाले मैं हूँ अपनी एलोपैथिक दवाइया, जी मैं शुगर इंग्लिश दवाई लेंदी सी शुगर की तो गैस की, उन्होंने कर दिता मैं बाय बाय। तो हूँ मैं खा रही हाँ पतंजलि की, तो पतंजलि की स्टार्ट की है, मैं 4-5 दिन हो गए ने। तो वो मैं तेरे नाल हुणे शेयर करांगी घर जाके। तो जिस तरह के मौसम का काफ़ी फर्क पै चुका है, तो बस खाण पीन का जो डाइट है तो साड़ी मेरी इस तरह ही हैगी है। तो काफ़ी मैनू अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक तो रूटीन चेंज हो गई और दूसरी गल हैगी है कि थोड़ा फ्रेशनेस रहती है और घर के काम अपना जो भी कुछ है जल्दी ख़त्म हो जाते हैं मेरे। तो थोड़ी दिक्कत तो आती है मैनू, क्योंकि कई कभी कभी इस तरह होंगे कि काफ़ी काम होंगे मैनू करन वाला, तो वो मैं काम नहीं कर पाती, तो क्योंकि थकावट भी मैनू होंगी है। थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है, बॉडी नू रेस्ट देना, क्योंकि मैं 5:30 बजे उठ जाती हाँ। तो उठ के फिर अपना जो भी ब्रश व्रश करना है, क्योंकि मैं एलोवेरा जूस लेना होता है, तो वह भी आंवले का भी, तो इन्हों भी देना क्योंकि इन्होंने ड्यूटी पर जाना होता, तो इन्हों भी देना पैंता है, क्योंकि मैं अपने नाल नाल इन्हों भी पूरा डाइट इन्हों की जी डाइट है इन्हों करवा रही हूँ। इन्हों मेडिसिन का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हों ज़्यादा इन्नी दिक्कत हार्ट की नहीं हैगी, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हों लगता है कि मैं हार्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हैगी है। तो जो भी इन्हों जो प्रॉब्लम हैगी है वो गैसट्रिक की है, क्योंकि इन्हों का पेट अच्छे तरीके साफ नहीं होंगे, तो वह गैस की वजह ना भी हार्ट पर प्रैशर पैंता है। तो इस करके तो डॉक्टर ने असी कल डॉक्टर को गए सी, तो डॉक्टर ने भी ज़्यादा इन्हों बीपी वगैरह ठीक सी, तो डॉक्टर ने यही कह अपने डाइट ठीक करो अपनी, तो वो ही ठीक है हूँ, क्योंकि इंग्लिश दवाइया के नाल असी जो खाने वो दिक्कत बढ़ती आई हैं, घटदिया नहीं है। तो इस करके तो हूँ देखो मैं एकदम ही इतने फोग होनी शुरू हो गई सी, तो मैं चलो कैप्चर कर लैनी हूँ, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ तुहानू। देखो तो यह पार्क के अंदर का है, तो अजे घास वगैरह नहीं हैगी, इतने सुक्का हैगा सी, तो इतने मैं वॉक कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं अपना 1.5 घंटा मैं वॉक की सी, तो अच्छे तरीके नाल हो जाती है। इतने नाले काम चल रहा पार्क के विच, तो जोड़ा वॉकिंग एरिया हैगा वाला तुम देख लो गए प्लेटफॉर्म है, तो अगे जाके इतने उन्होंने इट्टा वगैरह बजरी वगैरह पई हुई सी, तो इस करके फिर मैं अज अंदर ही कर रही सी। तो इतने भी मैं अच्छा लगा, तो एक्सरसाइज वास्ते मशीन भी इतने लगन वाली ने, तो वो मैं अच्छ पेख्या मैं बड़ा अच्छा लग्या, मैं क्या चलो इतने एक्सरसाइज भी हो जाए करेगी साड़ी हूँ। तो वो मशीन दिल्ली तो लगिया हुई मैं देखिए ना, इतने भी कई पार्कों अगे जो दूर दूर है तो इतने लगिया हुई ने, लेकिन यह वाली पार्क तो नहीं लगी हुई सी, इतने भी लग जाएगियाँ, तो काफ़ी अच्छा होएगा कि बंदा सवेरे सवेरे आके एक्सरसाइज भी इतें ही कर ले।
और डाइट के नाल नाल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो कुछ अपनी वही है कि रूटीन और अपनी आदतां तुसी अपने ठीक कर लो तो जिंदगी आसान हो जाती है। चलो हुण मैं घर पहुँच के तुहाडे नाल गल करदी हाँ। हुण मैं घर आ गई हाँ, अपने मेरी वॉक हो गई। अज भी मैं काफ़ी वॉक की है। फास्ट फास्ट वॉक करन दा फायदा है। स्वामी रामदेव जी कहंदे ने कि वॉक जड़ी करनी चाहिए है, मटक मटक के नहीं करनी चाहिए, फास्ट फास्ट करनी चाहिए है, तो उहदे नाल ही बेनीफिट मिलेगा तुहानू। तो अज मैं काफ़ी दिनों तो फास्ट ही कर रही हाँ, तो थोड़ा जहा दिक्कत हो रही है, तो उदों तो पता नहीं चलता, लेकिन जो असी घर वापसी आने लगते ना तो उदो बड़ी हालत उदो पैर इस तरह हो जाते हैं कि जिस तरह पुछो ना। तो चलो मैं अज मैं अपनी ग्रीन टी ओके लाइफ दी लै रही हाँ, नाले मैं थोड़े नाल हुण शेयर करांगी मैं 10 दिनों दे विच की कुछ लै रही हाँ, मेडिसिन कि लै रही हाँ मैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। हाँ जी फ्रेंड, यह देखो मैं अपने डाइट विच मैं 10 दिन जो स्टार्ट किया सी, दूसरे दिन तो मैं स्टार्ट किया एलोवेरा ए वाला जड़ा हैगा एलोवेरा जूस है, तो आंवला यह दोनों मिला के यह 15 ml मतलब 15 ml लेना है, 10 ml लेना है। तो यह मेरी जड़ी दवाई हैगी है, मेरी गैस की है, यह मैं हूँ 4 दिन तो लै रही हाँ, तो यह बहुत मैं बेनीफिट मिले ये नाल। जड़ी मेरी दवाइया ने और जड़िया मैं दवाइया लै रही सी वो ख़त्म हो गया। एक है शुगर की हैगी है मेरी मधुनाशनी वटी एक्सट्रा पावर, तो यह वाली भी ये 2 महीने की डोज है, तो यह वाली मैं सिर्फ 2 महीने ही खावगी, तो उस तो बाद मेरा नहीं खावगी शुगर कंट्रोल वास्ते। तो बाकी है मेरे हस्बैंड वास्ते हैगी है हृदय अमृत वट्टी हैगी है एक्सट्रा पावर, यह भी बहुत अच्छी है। यह साड़ी बेटी दी फ्रेंड दी मदर यूज कर रहे ने, ते उन्होंने इन्हों के रिव्यू बहुत अच्छे दिते ने, ते मैं अपने हस्बैंड वास्ते लैके आई हाँ, तो यह इन्हों मैं हूँ देनी शुरू की, अज मैं दिती है। तो ये नाल ही ओमेगा 3 लै रहे हैं असी ओके लाइफ की, तो यह भी मैनू 4 दिन ही होए ने लेंदे हुए, इन्हों मैं खुद भी लै रही हाँ और इन्हों भी दे रही हाँ। तो बाकी जो मैं ग्रीन टी लै रही हाँ वो मैं लै रही हाँ ओके लाइफ की, ओके फिटनेस, यह बहुत अच्छी है, ये अंदर सब कुछ है जो सानू चाहिए। तो यह देखो हूँ मैं बस यही दवाइया लै रही हाँ, यह मैं अपनी वेट लॉस जर्नी तक ही लैना है, तो उस तो बाद पता चलेगा। हूँ मैं परसों अपना शुगर टेस्ट करवावगी, तो उस तो बाद देखांगी मिलते हैं, मैं हूँ देखांगी कि भी मैं किन्ने रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन मैं काफ़ी अच्छा लगता हूँ, तो बॉडी च एनर्जी रही है, काफ़ी मैं फायदा हो रहा हूँ। तो इस करके मैं सबनों यही सुजैस करांगी कि भी जिन्हों जिन्हों प्रॉब्लम्स है सेम मेरे वाली प्रॉब्लम्स है, तो यही चीज़ा लैन, तो बाकी अपने खाण पीन का थोड़ा जहा ध्यान रख। और हाँ, नाले मैं हूँ अपना जोड़ा कुकिंग ऑयल बिल्कुल बंद कर दिता है, तो जोड़ा गां का घी पतंजलि का फिलहाल मैं लै रही हूँ, क्योंकि इस तरह मिलता नहीं है, तो पतंजलि का भी बेस्ट हैगा, तो मैं वो वाला हूँ यूज़ कर रही हूँ, तो नाल सरसों का तेल यही चीज़ा बस यूज़ करने, वह भी ज़्यादा क्वानटिटी नहीं घट लैना है, तो बस यही सब चीज़ा चलनगिया साड़िया हूँ डाइट विच। तो फ्रूट सैलड जड़ा असी फ्रूट लैना है वो असी अपने टाइमिंग के हिसाब न लैना है, मतलब 8 बजे तो लैके असी 12 बजे तक जिस तरह नाश्ता असी जड़ा करते हैं, तो असी लैने 10 बजे, तो 10 बजे असी फ्रूट लैने, जिस तरह फ्रूट में 4 किस्म का फ्रूट लैना है, तो उदे विच तुसी कुछ भी लै सकते हो, तो 700 ग्राम असी लैना एक टाइम। तो बाकी जो डिनर है साडा, डिनर तो पहले असी सैलड लवेंगे, वह भी 700 ग्राम ही लैना है, तो वो भी कुछ भी लै सकते हो। तो बाकी अपना खाने का जो टाइमिंग हैगा
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰੂਟਸ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। 10:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਲੀਆ ਔਰ ਉਪਮਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਚੀਲਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੁਲਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਲੇ 50-50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ 1 ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ, ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰੂਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਟ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਇਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।